तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं, इसमें लार यानी कि सलाइवा मिल जाता है। मुंह के सलाइवा ग्लैंड्स लार स्रावित करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं। स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन मुंह से लंबी नली नुमा ग्रसिका से होकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का भीतरी दीवार भी पाचक रस स्रावित करती है, जो प्रोटीन और फैट्स के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। लिवर एक रसायन स्रावित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं, जो फैट के पाचन में मदद करता है। लिवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं ओर होता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसा अंग में संग्रहित रहता है, जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहां पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस स्रावित करके पाचन में मदद करती है। इसे पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियास एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्त रस अग्नाशय रस इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस और अग्नाशय रस में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। प्रत्येक विलस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वह बृहदान्त्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैली नुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर ये फेकल मैटर एनस या गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन नली में मुख ग्रसिका यानी कि एसोफेगस, आमाशय यानी कि स्टमक, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदान्त्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ ही मलाशय और गुदा भी होते हैं। आहार नलिका और उससे संबंधित ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियास, ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं।